बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िमल फैशन एंड डिज़ाइनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंगरखा स्टाइल आइडियाज़, कि आप किस तरह से किस किस कपड़े पे या शॉर्ट फ्रॉक पे, लॉन्ग फ्रॉक पे किस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अंगरखा स्टाइल बनाने के लिए आप कौन सी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं? अंगरखा स्टाइल बनाने के लिए आप प्रिंटेड कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और प्लेन कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सारे खूबसूरत आइडियाज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप सिर्फ कैसे हैं, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी आइडिया मिस ना कर सकें। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग फ्रॉक पे भी अंगरखा स्टाइल बनाया गया और शॉर्ट फ्रॉक पे भी अंगरखा स्टाइल बनाया गया है, जो कि बहुत हसीन लग रहा है। अगर आप शॉर्ट पे बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट पे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लॉन्ग फ्रॉक पे बनाना चाहते हैं तो उस पर भी बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सूट कर रहा है। आप अपनी ड्रेसिंग चॉइस के हिसाब से लेफ़्ट साइड से भी बना सकते हैं, राइट साइड से भी बना सकते हैं। अंगरखा स्टाइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हमेशा इन रहने वाला डिज़ाइन है। आप टसल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं डोरी के साथ, टसल के साथ अंगरखा स्टाइल की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। अंगरखा स्टाइल में आप कमीज़ पे भी आप अंगरखा स्टाइल बना सकते हैं। आप अंगरखा स्टाइल में पाइपिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप कपड़े की पाइपिंग लगाएं या बाज़ार से लेके आएँ। ये डिज़ाइन आप इसलिए घर में बना सकते हैं, जो बहुत ही हसीन लगता है, बहुत प्यारा लगता है पहने हुए। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से फ़िराक पर बनाना चाहें तो फ़िराक पर बना सकते हैं, अगर आप कमीज़ पर बनाना चाहें तो आप कमीज़ पर भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़िमल फैशन एंड डिज़ाइनिंग को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हाज़िर होंगे एक नई वीडियो नई आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।